2019 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने बिहार के लिए बड़ा दांव खेला है। गुजरात के कांग्रेसी विधायक अल्पेश ठाकुर को कांग्रेस ने बिहार में संगठन का प्रभारी सचिव नियुक्त किया है। अल्पेश ठाकुर का नाम गुजरात में युवाओं की उस तिकड़ी में शामिल है जिसने अलग अलग जातियों का आंदोलन खड़ा करके बीजेपी की नाक पे दम किया था। गुजरात में ओबीसी नेता आंदोलन के नेता रहे अल्पेश ठाकुर ने 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ थामा था। अल्पेश ठाकुर को नीतीश कुमार के बिहार में कांग्रेस का प्रभारी सचिव बनाने के पीछे समीकरण बड़ा दिलचस्प है। नीतीश कुमार अगर कुर्मी जाति से आते हैं तो अल्पेश ठाकुर कोली नाम की पिछड़ी जाति के हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी को अपनी उपलब्धि के तौर पर बयान करना शुरू कर दिया है तो दूसरी ओर अल्पेश ठाकुर ने गुजरात में कोली समाज को शराबखोरी से मुक्ति दिलाने के लिए आंदोलन चलाकर ही नाम कमाया था। माना जा रहा है कि अल्पेश ठाकुर के जरिए कांग्रेस बिहार के 51% पिछड़े और अति पिछड़े वोटरों को साधना चाहती है। इनमें से करीब 14.4% यादव हैं जो कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी का मजबूत वोट बैंक माने जाते हैं। बाकी बचे 37% पिछड़े वोटरों को लेकर एनडीए में भी मारामारी चल रही है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीच तनातनी किसी से छिपी नहीं है, इसलिए कांग्रेस को लगता है कि अल्पेश ठाकुर जैसे तेज तर्रार नेता के जरिए उन पिछड़े वोटरों के बीच पैठ बनाई जा सके जो अब तक एनडीए के पाले में है। कांग्रेस को लगता है कि अल्पेश ठाकुर गुजरात के हैं, इसलिए उनको आगे करके मोदी और अमित शाह की जोड़ी पर वार पलटवार करना भी पार्टी के लिए थोड़ा आसान होगा। गुजरात के ही कांग्रेस के बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल को पहले ही बिहार का प्रभारी बना दिया गया है। गुजरात में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के लिए कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकुर को बिहार का सचिव नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि अल्पेश ठाकुर ने ही जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ हवा तैयार की थी। पहले अल्पेश ठाकुर के पिता भी कांग्रेस में ही थे, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद अल्पेश ठाकुर ने ओबीसी मूवमेंट में एक बड़ा मूवमेंट सरकार के खिलाफ खड़ा किया था, इसीलिए उन्हें बिहार का सचिव नियुक्त किया गया।